जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉटन बनाने वाली एक छोटी सी कंपनी है जिसका नाम है एक्सिता कॉटन्स लिमिटेड। पिछले तकरीबन 5-6 मंथ से ये स्टॉक काफी चर्चा में है और जो रिटेल निवेशक हैं हमारे और आपके जैसे उनका काफी पसंदीदा स्टॉक बना हुआ, क्योंकि पिछले कुछ समय हम देखें तो अच्छा रिटर्न दिया भी है। अभी हाल के दिनों में देखेंगे थोड़ा सा इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी में लगातार शेयर ऊपर की तरफ नहीं जाते, थोड़ा ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं फिर हल्का नीचे आकर फिर ऊपर जाते हैं। तो अभी यही इसमें ये वाला पैटर्न इस स्टॉक में चल रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं तो कैसे आपको अच्छा कमाई अब मिलने वाला है इस स्टॉक में, और नहीं है तो कहां पे आप इसमें न्यू एंट्री ले सकते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से कमाई का इसमें मौका मिल सके। चलिए शुरू से समझते हैं इस स्टॉक को, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और हर एक चीज को मैं आपको आसान भाषा में डिटेल में बताऊंगा। पहले जब बीएस इंडिया की वेबसाइट पर मैं आपको इस स्टॉक को दिखाऊं तो आप पाएंगे कि इस स्टॉक में एक्सिता कॉटन्स लिमिटेड में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। जैसे एम पावर इंडिया लिमिटेड में सुबह वीडियो डाला था वहां पर देखेंगे ये ईएसएम की कैटेगरी में था, यहाँ पे कोई भी ईएसएम या जीएसएम की कैटेगरी आपको नहीं दिखेगी। यानी कि जो सेबी का सर्विस लांस होता है जिसमें सामान्यतः जो छोटे स्टॉक होते हैं वही होते हैं, वो इसमें ये स्टॉक नहीं है। और यहाँ पे कमाल की चीज आपको देखने को मिलेगी, इस स्टॉक में लगातार आपको वॉल्यूम बढ़ते हुए दिख रहा है। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है तकरीबन 1.20 टाइम्स, यहाँ पे एक दिन पहले भी बढ़ा था 1.18 टाइम्स, यानी कि वॉल्यूम इस स्टॉक में लगातार बढ़ते जा रहा है। वॉल्यूम बढ़ने का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि न्यू बायर्स इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, और जब नए बायर्स आते हैं किसी भी स्टॉक में तो वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ना गुड साइन माना जाता है क्योंकि जो वॉल्यूम बढ़ता है इसका मतलब होता है कि शेयर्स की डिमांड बढ़ रही है, और जब डिमांड बढ़ती है किसी चीज की तो आप जानते हैं कि शेयर का प्राइस किसी भी चीज का प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि शेयर्स तो लिमिटेड है शेयर मार्केट में और डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये तो एक रीजन हुआ। चलिए अब बाकी चीजों को डिटेल समझते हैं इस स्टॉक के बारे में। यहाँ पर समझते हैं एक्सिता कॉटन्स लिमिटेड, जिससे मैंने शुरू में बताया कि ये जो कंपनी है कॉटन्स यार कॉटन बनाते हैं, कॉटन यार्न एंड कॉटन बेल्ट्स बनाती है, साथ में कंपनी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है और मैन्युफैक्चरिंग करती मैन्युफैक्चर तो वही एक्सपोर्टर भी है कॉटन्स बनाने के। कॉटन का आज की काफी ज्यादा यूज और बढ़ गया है आज के समय में, कॉटन सिर्फ मेडिकल्स के स्टोर में ही इसका यूज नहीं किया जाता, कॉटन का अलग अलग यूज होता है, लगभग एक प्रकार से देखें तो हर एक इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। कॉटन काफी जरूरी चीज है आज के डेली लाइफ के यूज के हिसाब से देखें तो, इसलिए फ्यूचर में इस तरह की जो कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उनके शेयर प्राइस में तेजी आने के संकेत रहेंगे, काम काफी कंपनी का बढ़िया है। अब बात करते हैं फंडामेंटल का। देखिए तकरीबन 570 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, जो कि काफी बढ़िया बात है पीनी स्टॉक के लिहाज से जब हम देखते हैं तब, और यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है आपको तकरीबन 35% के आसपास देखेगा, ये काफी अमेजिंग है दोस्तों। सामान्यतः जो दूसरी पीनी स्टॉक्स होते हैं ना उसमें इतना हैवी रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को नहीं मिलता, ये गुड साइन है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस यानी कि चार्ट की। चार्ट पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्टॉक अभी कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है, 2 रुपए 20 पैसा से लेकर 22 रुपए से लेकर 24 रुपए के बीच में इस स्टॉक का प्राइस आपको मूवमेंट करते हुए दिख रहा है। देखिए स्टॉक का प्राइस एकदम अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास ठहरा हुआ है, हो सकता है कि सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाए, लेकिन आप यकीन मानिए कि जब भी इसका ब्रेकआउट इस रेंज से बाहर निकलेगा तो इसका ब्रेकआउट होगा, न कि ब्रेकडाउन होगा। हल्का सा नीचे आ सकता है जैसे यहाँ पे नीचे आया था, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये प्राइस आपको ऊपर ही जाने वाला है। लॉन्ग टर्म में क्या, जैसे इस रेंज से बाहर निकलेगा प्राइस ऊपर जाएगा और कम से कम इस लेवल के आसपास आएगा 32 रुपए के लेवल, और 32 रुपए के लेवल के ऊपर भी जाएगा क्योंकि यहां पे आप देखेंगे तो स्विंग हाई बनते हुए जा रहा है, और 32 रुपए के ऊपर निकलेगा तकरीबन आपको 40-45-50 रुपए तक का टारगेट शॉर्ट टर्म में स्टॉक आपको दे सकता है। तो आपको क्या करना है, बस आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो होल्ड करना है, अभी होल्ड करना है, अभी बेचने के बारे में नहीं सोचना है क्योंकि इसका जो सबसे क्रिटिकल लेवल है वो ये लेवल है 20 रुपए के आसपास, 20 रुपए तक आने के चांसेस नहीं रहेंगे, आप इसमें होल्ड कीजिए, एवरेजिंग मत कीजिए। कोई नया व्यक्ति है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो 24 रुपए के ऊपर जब निकलता है तो वहां पे नया एंट्री ले सकता है, लेकिन अभी बाई करने वाले जब तक इस रेंज बाउंड में है या जब तक प्राइस थोड़ा नीचे आता है तब तक इसमें बाई करने की गलती मत कीजिएगा। कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर हाल ही में आए हैं, सेल्स में थोड़ा सा डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला है मार्च क्वार्टर रिजल्ट में यानी क्वार्टर फोर में, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यानी कि जो दूसरे बिजनेसों से कमाई होती है, अब कॉटन बनाने वाली कंपनी है तो जरूर नहीं कि इसकी कमाई सिर्फ कॉटन बनाने से ही होती है, कंपनी जैसे मैंने बताया और एक्सपोर्टर है और मैन्युफैक्चरिंग भी करती है तो और भी तमाम रिसोर्सेज हैं कंपनी के पैसे कमाने के, तो उससे इस कंपनी की आमदनी होती है, जिससे देखेंगे कि सेल्स कम होने के बाद भी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर में आपको बढ़ते हुए दिखा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो आपको बढ़ते हुए दिखा है नेट प्रॉफिट। देखिए यानी कह सकते हैं कंपनी का जो फंडामेंटल है फंडामेंटल ठीक है, प्लस कंपनी जो काम करती है काम भी काफी बढ़िया है, ऑल चीज इसमें बढ़िया है, इसलिए आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो जो मैंने लेवल बताया है उसको ध्यान में रखिए। इससे रिलेटेड मन में कोई और सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।